की नाक के नीचे भ्रष्टाचार को अंजाम देने की खबर सामने आई। जिला प्रोबेशन अधिकारी की शह पर रेप पीड़िता को मिलने वाली सहायता राशि में लाखों रुपए का घोटाला करने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। इसकी शिकायत बीजेपी नेता ने डीएम व एसपी से साक्ष्य के साथ की, जिस पर डीएम ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को जाँच सौंपी। रमेश सिंह वरिष्ठ भाजपा नेता द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक शिकायती पत्र दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जिला प्रोबेशन कार्यालय के कर्मचारी द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कुछ हेरा फेरी करके और पैसे निकाल लिए गए। उसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है और जांचोपरांत के निष्कर्ष से जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजी जाए। मेरे पास आवेदिका श्रीमती रेणु तिवारी का एक प्रार्थना पत्र आया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने जिला प्रोबेशन कार्यालय से संपर्क करके अपनी पुत्री के विवाह हेतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह अनुदान हेतु आवेदन किया था, जिसके क्रम में उनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खाता खुलवाया गया, किंतु उस पर किसी और अनुदान की राशि आ गई किसी और मद की, और उनका यह भी कहना है कि वह धन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, अपितु वह पैसा किसी और व्यक्ति के द्वारा निकाला जा रहा है। उस पूरे प्रकरण की जांच मेरे द्वारा की जा रही है, बैंक से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में डीएम की नाक के नीचे भ्रष्टाचार का एक मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि रेप पीड़िता को मिलने वाली सहायता राशि घोटाले की बात सामने आ रही है। जिला प्रोबेशन अधिकारी व उनके कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़ा घोटाला किया जा रहा है, जिसकी शिकायत बीजेपी नेता ने जिला अधिकारी से की है। शिकायत करने के बाद विभाग में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है और दस्तावेज खंगाले जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं, लेकिन जिस तरह से जिला प्रोबेशन विभाग सुर्खियां लगातार अपने विवादित कार्यों के चलते बटोर रहा है, उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी यह आने वाला समय बताएगा। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। रायबरेली संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए। रोहित मिश्रा, सहायता राशि में जो लाखों रुपए का घोटाला सामने आया है, कौन कौन से अधिकारी आने वाले समय में और इसकी जद में आ सकते हैं? जी बिल्कुल आलोक, मैं बताना चाहूंगा एक यहाँ पे गिरोह बन के जो आला अधिकारी है, जो कर्मचारी और साथ साथ बाहरी व्यक्तियों का एक गिरोह जो रैकेट बन के काम कर रहा है, जिसका खुलासा खुद बीजेपी नेता ने किया। उन्होंने पद के द्वारा जो है सभी साक्षियों को अवगत कराया और जिला अधिकारी को शिकायत की कि रायबरेली के जिला प्रोबेशन विभाग में लगातार सरकारी धन का जो दुरुपयोग करके उसको हड़पा जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है। जो सहायता राशि मिलनी चाहिए पीड़ितों को, उन सहायता राशि के नाम पर जो अकाउंट होता है, अकाउंट में फोटो किसी दूसरे के आधार कार्ड किसी दूसरे का लगाकर बाकायदा एटीएम के जरिए पेमेंट भी निकाला जा रहा है। जो पीड़ित हो रहा है उसको उसका लाभ नहीं मिला, और जो आला अधिकारी है, कर्मचारी है, फिर जो रसूख जो अन्य लोग इसमें शामिल है, वो सब मिल के इस रैकेट में काम कर रहे हैं और लाखों रुपए के वारे नारे कर रहे हैं। इतना लाखों रुपए घोटाले का मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने जरूर जो है इसकी जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से डीएम कार्यालय के चंद कदमों की दूरी पर ही प्रोबेशन विभाग है, वहां पर इस तरह का कार्य किया जा रहा है, ऐसे अधिकारियों व ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई का चाबुक चलता है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम सारी जानकारी के लिए। और अगली खबर है